शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक नेगी और मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत सा गांव बसा हुआ है। तो आज का मौसम देखो कितना सुहाना हो रखा है, थोड़ा बहुत बादल और धूप लग रही है और ये देखो आप, और मौसम की हालत ऐसे है कि थोड़ा बहुत बादल लगे हुए हैं, सूरज के आगे थोड़ा बहुत बादल है, बादल की परत है और ऊपर से सूरज, तो देखो आप ऐसा लग रहा है, मतलब तेज वाली धूप तो नहीं हो रही है, नॉर्मल धूप हो रही है और बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है। और ये व्यू है हमारे घर के छत से, देखो आप सामने का व्यू, पहाड़ी पहाड़ इस साइड हो गया और इस साइड है बर्फीले पहाड़, लेकिन अभी वहाँ पे बादल लगे हुए हैं तो इससे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देखो कितना प्यारा व्यू है। और बरसात के टाइम पे एक चीज़ है कि जो ये मधमेश्वर वैली साइड ना, यहाँ बहुत कम धूप लगती है, रेगुलर बारिश ही बारिश होती है, बर्फबारी रेगुलर होती है उस जगह। तो उस जगह का नाम हुआ पांडव सेरा, जो आगे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाली जगह इस वी के इस साइड उधर की साइड, तो वहाँ का नाम हुआ पांडव सेरा, देख सकते हो। और यहाँ पर से मधमेश्वर है, यहाँ पर जो ये वाली चोटी है ना उसके ठीक आगे जो ये वाली चोटी दिखाई दे रही है वहाँ पर है मधमेश्वर। और देखो आजकल देखो चारों तरफ इस ग्रीनरी ग्रीनरी, चारों तरफ देखो कितनी हरियाली बस छाई हुई है। और आजकल पहाड़ों की खासियत ऐसे कि चारों तरफ देखो हरियाली हरियाली, और बेकार सीन ये होता है कि सिर्फ टूट फाट ऐसा है कि मतलब सावन के टाइम पे ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है तो टूट फाट होगी, लेकिन हरियाली देख के ना मन खुश हो जाता है। देखो आप सामने यहाँ पर देखो ये धान के, और ये देखो यहाँ पर धान और मंडुए की खेती आजकल, और चारों तरफ देखो ग्रीनरी ग्रीनरी, तो इसके मज़े कुछ अलग ही हैं यहाँ के। ये बड़ा प्यारा मौसम, इसका अलग ही सुकून मिलता है ये देख करके। और जिस दिन बारिश हो उस दिन तो पता भी नहीं चलता है, उस दिन इतना बेकार मौसम, मतलब इतना बेकार दिन जाता है ना कि बारिश में एक तो डर अलग कि खेत टूट जाएंगे हमारे या ये चीज़ टूट जाएगा, तो उसका अलग ही डर रहता है। और दूसरा देखो आज का मौसम इतना प्यारा है कि कोई मतलब साफ दिखाई दे रहा है और एक कोहरा भी नहीं लगा है, सामने पर तो एक कोहरा भी नहीं लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा वो दिखाई दे रहा है। और हमारे छत से सामने पे देखो बुआ जी लगी हैं गुटाई करने पे, धान और जो मंडवा है ना उसकी गुटाई करने पे। तो आजकल का टाइम ही ऐसा चल रहा है कि आजकल जैसे ही मंडवा या ये धान थोड़ा बड़ी हो जाती है ना, तो बीच में घास भी बड़ी हो जाती है उनके साथ साथ, तो गुटाई करना ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। तो आजकल गुटाई और निडाई का काम भी चल ही रहा है पहाड़ों में। तो घर की लेफ्ट साइड देखो यहाँ, यहाँ ये सारे पेड़ हैं आड़ू के, आड़ू के हो गया, और यहाँ पे लगाई हुई हैं बीन्स, तो ये ठीक मेरे पीछे यहाँ देखो ये सारे पेड़ आड़ू के हैं। और ये वाले आड़ू को बोला जाता है गढ़वाली में काठी, काट मतलब ये वाले देर में होते हैं ना, तो इनको काठी बोला जाता है, जो लगभग मतलब एक महीने पहले ही ख़त्म हो गए थे एक वाले, तो उनको बोला जाता है ब्लेड आड़ू। तो ये देख सकते हो ठीक मेरे पीछे ये है आड़ू के पेड़, ये देख सकते हो। तो ऐसा ही सीन होता है अखरोट वाला, तो अखरोट में जो मतलब एक दांत से टूट जाते हैं सस्ते वाले, वो डांट दांत से टूट जाते हैं, एक तो मतलब इजी होते हैं दांत से टूट जाते हैं, और दूसरा होता है कि पत्थर से बार बार तोड़ना पड़ता है उसको, पत्थर से तोड़ना पड़ता है तब जाके टूटते हैं। तो इसमें भी यही सीन होता है यहाँ भूमि, तो उसका सीन ऐसा होता है जिसको दांत से टूटते हैं उसको दांती बोलते हैं, और जो मतलब पत्थर से फूटते हैं उसको काठी बोलते हैं। तो ये सीन है पहाड़ों के, कुछ कुछ शब्द बड़े इंटरेस्टिंग शब्द होते हैं, तो ये चीज़ है। और ये देखो इतने सारे पेड़ आड़ू के, एक दो और ऊपर में ये तीसरा वाला, तीन चार पेड़ आड़ू के हैं और नीचे भी हैं, दो तीन पेड़ नीचे भी हैं। तो गांव में लगभग पेड़ इतने ही हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा ज़्यादा वैसे फल का पेड़ है वो है संतरा, मतलब जो ज़्यादातर होता है ना यहाँ तो होता है संतरा, संतरा मतलब लगा के चलो आप सबके पेड़ हैं, संतरे के पेड़ सबसे ज़्यादा होंगे यहाँ हमारे गाँव में। तो ये चीज़ है, संतरे बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ, तो जूस भी जैसे निकालना हो तो घर ही में निकाल देते हैं, मतलब वो मशीन लाए और घर ही में निकाल दिया जूस, तो ये चीज़ है। और आज मुझे एक प्रोग्राम में भी जाना है नीचे, मतलब आज हो रहा है मेरे चाचा जी का लड़का है ना नन्नू, तो उसका मुंडन हो रहा है, वहाँ भी जाना है मेरे को, तो आपको भी ले चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आजकल ठीक मेरे पीछे देखो आप ये बीन्स जो हमने पिछली बार लगाई थी ना और इस पे सुटके लगाए थे, वो कितने बड़े हो गए हैं, ये देख सकते हो इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये चीज़,
जहाँ मुंडन हो रहा है ना वाला घर है, ये वाला जो सीमेंटेड वाला है ना बीच वाला, तो वहाँ चाचा जी के लड़के का, तो वहाँ चलते हैं हम लोग। तो मेरा घर यहाँ पर से देखो इतने नीचे पे है, नीचे पे उनका है और यहीं ऊपर पे मेरा है, लगभग 10 मीटर की दूरी पे। तो अब जाते हैं घर सीधे। तो अभी नीचे मुंडन के बाद घर आ गया था मैं और थोड़ा सा काम कुम किया। तो मेरा 5 फूल का काम था, कॉलेज का काम था, तो वो निपटाया मैंने। तो अभी लगभग देखो धूप भी तेज़ हो गई है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मैं मिलता हूँ आपको अगली पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय देवभूमि उत्तराखंड।